गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और जो हमारा इसका टॉपिक है पहला, दैट इज व्हाट इज साइंस। देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जैक्ट डेफिनेशन साइंस की अभी तक ना तो हम दे सकते हैं और ना ही जरूरी है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि साइंस क्या है। और साइंस जब से है, जब से हमारा जो ह्यूमन रेस है या धरती पर जब से ह्यूमन बीइंग है, तब से साइंस है। ह्यूमन नेचर एक अपने आप में बहुत क्यूरियस होता है। जैसे आप हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ किसी अपने स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और रास्ते में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, भीड़ हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप के अंदर एक अपने आप ही एक क्यूरियोसिटी आएगी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यों इतने लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं। इसे क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा कहते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि किसमें कितना क्यूरियोसिटी है। हो सकता है आपका दोस्त कहे छोड़ो यार, जैसे भी चलो आप अपने काम चलते हैं, या मान लीजिए आप ये कहेंगे नहीं रोको, अब देख के आते हैं क्या बात है। आपका दोस्त कहता है आप ही देखाओ, मैं नहीं जाऊँगा। अब आप जाके देखते हैं कि क्या मैटर है, फिर आके बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे कोई जादूगर है जो खेल दिखा रहा है, इस कारण से यहाँ पे भीड़ जमा हुई है। अब आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म। लेकिन आपके दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ इकट्ठी क्यों है। तो ऐसे बच्चों, जो हमारा ये पृथ्वी पे जितने भी मानव रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, उनका क्यूरियोसिटी लेवल अलग अलग है। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। आइंस्टीन सर भी कहते थे कि वैज्ञानिक होने के लिए आपको लंबे चौड़े दिमाग की जरूरत नहीं है, बस आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ लोगों में ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना। हम नेचर के साथ रहते हैं सुबह से शाम तक, तो वहाँ पे जो ज़्यादा क्यूरियस लोग हैं वो उस नेचर को बड़े गौर से ऑब्जर्व करते हैं, और उस क्यूरियोसिटी के पीछे वो बहुत सारी हदों को पार करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर आइजक न्यूटन की, वो चुपचाप रहते थे और लगातार या तो किताबें पढ़ते रहते थे या फिर प्रकृति को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सर आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक सेब आके गिरा, फिर ही थॉट कि ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें, और काफ़ी मतलब वो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्री थी, द मैजिशियन ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें बताया गया था कि न्यूटन साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सेब गिरा है उनके सर के ऊपर या बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ट्रिनिटी कॉलेज में वो बैठे रहते थे एक पेड़ के नीचे, और वो सोचते रहते थे, बस मतलब सोचते ज़्यादा थे, बोलते कम थे। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट लाइट, अबाउट नेचर, अबाउट ग्रेविटी, अबाउट द मोशन ऑफ मून सन, इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, और उनका जवाब ढूंढने की वो कोशिश करते थे, और उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए भी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जितना कंट्रीब्यूशन न्यूटन सर का रहा है, इतना शायद ही किसी का रहा हो। उनसे पहले जैसे गैलीलियो सर थे, वो जब चर्च में जाते थे तो चर्च में एक घड़ी थी, पेंडुलम घड़ी, वो सारा दिन उस पेंडुलम को ही देखते रहते थे। जब भी जाते थे चर्च में, वो पेंडुलम को देखते रहते थे, कई बार उसका वो टाइम पीरियड नोट करते थे। और उस समय उनके पास खुद के पास घड़ी नहीं होती थी, बस वो ये देखते थे कि ये जो पेंडुलम है जब इधर से इधर जाता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, और उसके लिए वो क्या करते थे, अपने हाथ की जो पल्स है उसको उससे चेक करते थे, 1 2 3 4, यानी कितनी बार पल्स जो है उसका बीट किया है पेंडुलम का यहाँ से यहाँ जाने में। तो गैलीलियो साहब वाज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए वेरी क्यूरियस और वेरी इंक्वायरिंग माइंड। आइंस्टीन सर की बात कर लीजिए, आइंस्टीन सर के जो अंकल थे उन्होंने उनके जन्मदिन पर एक मैग्नेट दिया, मैग्नेटिक कंपास दिया, और सारा दिन आइंस्टीन सर उसी के साथ खेलते रहते थे कि क्यों ऐसे चीज़ों को आपस में लोहे की चीज़ को अट्रैक्ट करता है। फिर वो चेक करते थे किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किस किस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है। वो सोचता रहता था कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। और छोटा बच्चा भी है, जब पहली बार चुम्बक देखता है तो वो भी ही और सी श्योरली गोइंग टू फैसिनेटेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन माइंड कभी से मैंने कहा क्यूरियस रहा है, और कुछ लोगों में क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उस क्यूरियोसिटी के कारण वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, और ऑब्जर्व करके नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ
उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने तरीक़ों से वो रिलेट भी करते हैं। कई बार वो गलत होते हैं, कई बार वो सही होते हैं। जैसे पहले कहते थे कि भाई तूफान, आंधी, बारिश, बिजली का कड़कना, ये सारे जो है दैवी प्रकोप होता है, कि भगवान जब नाराज़ हो जाता है तो ये चीज़ें आती है, भूकंप आता है। इंडिया में भी ये प्रचलित था कि भाई जो एक बैल है उसके सींग पे धरती टिकी हुई है, फिर वो थक जाता है तो फिर वो एक सींग से दूसरे सींग पे करता है तो धरती हिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मिथ फैले हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह मतलब शुरू से ही हम नेचर को ऑब्जर्व करते गए और वो सारा जो भी हमने ऑब्जर्व किया वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते रहे और उसको हम लिखते भी गए। तो जो कुछ खास लोग थे जो ज़्यादा क्यूरियस थे वो उसको लिखते भी गए और वो लिखते लिखते हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है नेचर के साथ वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उसको एक किताब में रखना मुश्किल हो गया या एक व्यक्ति का पढ़ना उससे मुश्किल हो गया। और प्यारे बच्चों, एक रफ डेफिनेशन हम फिर यहाँ पर साइंस की लिख सकते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिनन एट माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो जितनी भी घटनाएं हुई उन सब की जो स्टडी की गई, और अच्छे शब्दों में कहें तो इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी और ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ फिनोमिनन एट माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक लेवल। क्योंकि साइंस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम उस चीज़ में दक्ष होते गए और हम फिर छोटी सी लेकर के बड़ी चीज़ तक हम पढ़ने लगे, उनको समझने लगे। जैसे बच्चों, हमने एटम को भी पढ़ा और हमने गैलेक्सी को भी पढ़ा, यूनिवर्स को भी पढ़ा। हमने एक छोटे से बैक्टीरिया वायरस को भी पढ़ा और हमने बड़े से बड़े दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जीवन है कि नहीं, हमने उन चीज़ों को भी पढ़ा। जो हमसे पहले यहाँ पे स्पीसीज रही होंगी हमने उनकी भी स्टडी की। तो ये स्टडी बहुत ज़्यादा हो गई प्यारे बच्चों। और बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ हो जाती है तो हम फिर उसके कुछ हिस्से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो आप 11th क्लास में होंगे या फिर फिजिक्स के टीचर होंगे। तो जब आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो गए, अभी तो ये मान लीजिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर मान लो मेरी ये फिजिकल क्लास और उसमें 100 बच्चे हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके दो या तीन हिस्से कर दूँगा ताकि पढ़ाने में आसानी रहे, ताकि हर एक बच्चे के हम कॉपी चेक कर सकें, हर एक बच्चे को ईजिली हम इवेल्युएशन कर सकें। तो उसके लिए आसानी के लिए हमने क्या किया, उसके हिस्से कर दिए। अब जब हम हिस्से करेंगे क्लास के तो कुछ क्राइटेरिया हम यहाँ पे लेंगे कि भाई नए स्टूडेंट हैं उनको अलग क्लास में रखो, पुराने वालों को अलग रखो क्योंकि सिलेबस अलग अलग चल रहा है, या हम कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ये टेस्ट ले लीजिए इससे ऊपर के बच्चे इस सेक्शन में, उससे नीचे के बच्चे इस सेक्शन में, ताकि उनका जो कॉग्निटिव लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकें। यानी क्लासीफिकेशन किसी न किसी बेसिस पर करेंगे। तो जब साइंस बहुत बड़ी हो गई तो हमने फिर इसके बच्चों हिस्से किए। साइंस के शुरू में हमने रफली दो हिस्से किए बच्चों, एक हिस्सा जिसको हमने कहा फिजिकल साइंस, दूसरा हिस्सा जिसको हमने कहा लाइफ साइंस या यू कैन से बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में हमने सीधा सीधा एक तरीका किया, एक में पढ़ेंगे हम जीवित चीजों को, एक में पढ़ेंगे मृत चीजों को या निर्जीव चीजों को। इसमें हम निर्जीव चीजों को पढ़ते हैं, इसमें हम जीवित चीजों को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इनएनिमेट थिंग्स एंड स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर बच्चों, जब फिजिकल साइंस की हमने कैटेगरी की तो इसमें भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया, बहुत सारी बातें हमारे पास इकट्ठी हो गई, इसमें भी बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई। फिर हमने इसके भी आगे क्या कर दी बच्चों, फर्दर क्लासिफिकेशन की। फिजिकल साइंस का जो बेसिक जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, एक रफ जो क्लासिफिकेशन किया वो दो भागों में किया, एक पार्ट है इसका फिजिक्स और दूसरा है प्यारे बच्चों इसका केमिस्ट्री। आप देखो इन दोनों में आप इनएनिमेट थिंग यानी निर्जीव चीज़ों की स्टडी करते हैं। लाइफ साइंस का भी हमने रफली टू पार्ट्स में इसको किया, मैंने जियोलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी। हमने जीवित चीज़ों को दो भागों में बांट दिया, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जियोलॉजी। इसमें हम वी आर ऑल्सो एनिमल्स,
ठीक है, छोटे से लेकर बड़े एनिमल को हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें अगर आप और आगे जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ये मेरे मतलब का नहीं है और हम इस मतलब की बात करें, ये है अपने मतलब का फिजिक्स। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें कि व्हाट इज फिजिक्स, जैसे व्हाट इज साइंस कहा हमने, ऐसे अगर हम व्हाट इज फिजिक्स करेंगे तो इस पर पूरा लेक्चर चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स समझ में, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली होगी कहीं भी, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो फिजिक्स इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस विच इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज, यानी वो नियम जो नेचर को गवर्न करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, पिछले 16 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो एच सी वर्मा की साहब की जो बुक है उसमें बड़े अच्छे से इसको समझाया गया है। मैं इंस्पिरेशन उसी बुक से है, एग्जाम्पल मैं थोड़ा दूसरा ले रहा हूँ। तो फिजिक्स को हम कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो बच्चों, मेरे पास मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, दिस इज ए कॉपी, ठीक है, ये दिस इज ए कॉपी, ब्लैंक आप ये समझ लीजिए कि ब्लैंक है, ठीक है, ये पीछे शायद ब्लैंक है, इसमें ये नहीं है, होनी चाहिए ब्लैंक। चलिए सपोज दिस इज ए ब्लैंक कॉपी, ठीक है। अब मैंने आपको टीवी के सामने बैठा दिया और आपसे ये कहा है कि टीवी पे क्रिकेट मैच चला दिया, और थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपको वो जो क्रिकेट है उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, और आपको टीवी के सामने बैठा दिया और एक मैच चला दिया। हमने कहा जो भी तुम्हें इसमें ऑब्जर्वेशन जो भी आप इसमें करो आप अपना इस कॉपी में लिख लीजिए। तो आप मैच को देखते हैं और उसमें जैसे जैसे मैच चलता है आगे आप अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें लिखते जाते हैं। जैसे आपने देखा कि 6 बॉल डालने के बाद बॉलर बदल गया, आपने वो बात लिख ली। फिर आप मैच देखते हैं तो थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि अगर बॉल कीपर से चली दूर चली जाती है या बल्ले से टकरा के दूर चली जाती है तो ये दौड़ते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया। आपने ये ऑब्जर्व किया अगर बॉल उन 3 डंडों पर लग गई तो जो खेल रहा है वो चला जाएगा, फिर दूसरा उसकी जगह आएगा, ये आपने ऑब्जर्व किया। फिर आपने काफ़ी देर तक अगर मैच देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, 2 आदमी यहाँ पे ऐसे खड़े हैं जो खेल ही नहीं रहे, बस वो कुछ इशारे कर रहे हैं, जिनको हम अंपायर कहते हैं। तो ऐसे जो भी आपने ऑब्जर्वेशन उस मैच के दौरान किया सारा लिख लिया, ठीक है। फिर अगला मैच चला दिया, आपने फिर ऑब्जर्वेशन किया, तो जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके कुछ जो पहले की ऑब्जर्वेशन है उस पर डाउट आएगा। जैसे आप देखेंगे कि किसी बार वो 6 बॉल फेंक के चला जाता है और कोई कोई ऐसा आता है जो 7 या 8 बॉल फेंकता है अगर वाइड चली जाए तो, जैसे आप जानते हैं। तो आप अपने पुराने वाले नियम को ठीक करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे, भाई इसमें थोड़ा गड़बड़ रह गया था, इसमें ये होना चाहिए। तो आफ्टर वॉचिंग से 1000 मैच, 1000 मैच देखने के बाद आपके पास एक कॉपी तैयार हो जाएगी और उस कॉपी में आप बहुत सारे अपनी ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। और अगर आपने उन ऑब्जर्वेशन को चेक करना है तो और मैच देख लीजिए, आप देखेंगे कि हाँ आप उस मैच के बारे में बताना शुरू कर दोगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ठीक है। तो उस कॉपी का अगर कोई नाम दें हम तो उस कॉपी का नाम होगा रूल्स ऑफ क्रिकेट। इन अ सेम वे एस सी वर्मा सर कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये भी एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल को जो ऑब्जर्व करता है उसके पास कुछ ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे इस खेल को ऑब्जर्व किया सर गैलीलियो गैलीली ने, इस खेल को ऑब्जर्व किया सर आइजक न्यूटन ने, इस खेल को ऑब्जर्व किया मैक्सवेल ने, खेल को ऑब्जर्व किया सैडी कार्नो ने। तो जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया उन सब ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन लिखे। समय के साथ वो ऑब्जर्वेशन में मॉडिफिकेशन होता गया, कुछ पुरानी ऑब्जर्वेशन हटाई, नई ऑब्जर्वेशन आई। जैसे हम बात करें एरिस्टोटेलियन टाइम की, सबसे पहले अरिस्टोटल सर ने कहा था, वो फिर गैलीलियो सर आए तो उनको रिप्लेस करना पड़ा। जैसे शुरू में एक एटॉमिक मॉडल जे.जे. थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम था, अगला मॉडल आया तो हमने जे.जे. थॉम्सन वाले की जो बातें ठीक थी वो ले ली, बाकी उसमें और मॉडिफिकेशन किया। रदरफोर्ड सर का मॉडल माना, फिर रदरफोर्ड सर के बाद हमने जे.जे. इसका बोहर एटॉमिक मॉडल माना, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद हमने वेक्टर एटम मॉडल माना। तो ऐसे हम एक ऑब्जर्वेशंस को मॉडिफाई करते गए। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन प्रकृति की इन महान लोगों ने की है वो सारी किताब में लिख दी, और उस किताब का नाम है फिजिक्स, दैट इज रूल्स ऑफ नेचर।
यानी प्रकृति के नियम, ठीक है, और वो आज भी हम देखते हैं और ओवर द टाइम हम उन नियमों को मॉडिफाई करते हैं। जैसे बच्चों आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने क्रिकेट का मैच देखा और क्रिकेट का मैच देखने के बाद आपने जितने भी ऑब्जर्वेशन थे आपको सारे मालूम थे, लेकिन एक मैच में क्या होता है, एक टीम खेल गई, दूसरी टीम आती है, उसको खेलते हुए 20 ओवर ही हुए हैं, बारिश हो गई, फिर कोई नया मेथड लगता है और एक टीम को जिता दिया जाता है। आपको लगता है कि यार जीतने वाली टीम को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया, तो एक नया मेथड है, एक नई ऑब्जर्वेशन आपके सामने आती है, एंड दैट इज एक मेथड है, डकवर्थ लुइस मेथड ऐसा कुछ है करके, वो हमें कई सालों बाद पता लगा कि क्रिकेट में कोई ऐसा भी नियम होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही जिस प्रकृति को हम ऑब्जर्व करते रहे करते रहे करते रहे, कई बार ऐसा ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि पुराने वाली ऑब्जर्वेशन को हटाना पड़ता है या उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिक्स की जो स्टडी है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। प्यारे बच्चों फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, और ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया आपको कि बाद में ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हमें पुराने वाले ऑब्जर्वेशन हटाने पड़े, तो मैं यहाँ पे इस पूरे स्पेस को लूँगा। फिजिक्स को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया मेनली, फिर बाद में कई भाग बने। एक भाग इसका कहलाता है फिजिक्स का क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा भाग इसका कहलाता है प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, या कई बार हम इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, परंतु ये नाम ज्यादा उचित है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। मेन इसमें डिफरेंस है कि ये जो फिजिक्स है ये सन 1900 से पहले की है, और ये जो फिजिक्स है ये 1900 के बाद की है, क्योंकि दिसंबर 1899 में एक ऑब्जर्वेशन किया सर मैक्स प्लैंक ने, और उस ऑब्जर्वेशन ने प्यारे बच्चों फिजिक्स का बहुत कुछ बदल दिया, एक नई एक प्रकार से एक रेवोल्यूशनरी फिजिक्स वहाँ से स्टार्ट हुई, और जो आज की जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारी इसी के ऊपर बेस्ड है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले का, तो 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी उसके क्या क्या पार्ट हैं जो हम पढ़ते हैं जनरली, तो इसमें बच्चों एक होता है सबसे पुराना मैकेनिक्स, एक इसका पार्ट है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक इसका पार्ट है प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स, एक इसका पार्ट है प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, एक इसका पार्ट है प्यारे बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हमारी जो पुरानी जो फिजिक्स है ये उसमें है। और कई बार हम मैकेनिक्स में ही ग्रेविटेशन को शामिल कर लेते हैं, कभी तो हम अलग से पढ़ते हैं, ये हमारी पुरानी फिजिक्स है 1900 से पहले की, और ये लगभग आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। जैसे इसको आप 11th में पढ़ेंगे, इसको आप 12th में पढ़ेंगे, इसको 12th में पढ़ेंगे, इसको 11th में, इसको 11th में, और इसको 11th में। मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें जो सबसे जो पहले आती है वो हमारी आती है प्यारे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स। इसका बिल्कुल जरा सा बिल्कुल बिट लिटिल बिट आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और बिल्कुल जरा सा ही आप प्लस टू फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें आती है प्यारे बच्चों कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, फिर इसमें एक बहुत ही जबरदस्त आता है जिसपे बहुत सारी मूवीज बनी हैं,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें आता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। आपने पीछे सुना होगा काफी टाइम पहले एक वर्ड पॉपुलर हुआ था गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन, वो इसी पार्टिकल फिजिक्स में आता है। पढ़ते हैं इसमें इसको हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये हमारे एक और पार्ट बच गया इसका, दैट इज एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। जैसे बच्चों मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, इसमें लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर, इस तरह की चीज़ें आपने इसमें पढ़ी होगी। फ्लूड्स को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, कई बार फ्लूड डायनेमिक्स उसको बोल देते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा वो भी इसी में आ जाता है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों चार्ज और मैग्नेट, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे डिटेल से, तो हम तभी पढ़ाएंगे जब आपके सिलेबस में चीज़ें आएंगी। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लेंस मिरर स्लैब प्रिज्म ह्यूमन आई रेनबो सारा इसमें आता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट हीट एंड इट्स कन्वर्जन विद अदर एनर्जी लाइक टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक अलग तरह की चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर हम या किसी सिस्टम का बिहेवियर, जनरली गैस गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्रेविटेशन में जैसा आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अबाउट द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। क्वांटम में अगर हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं अगेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर वेरी टिनी ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे फोटोन्स छोटे छोटे पार्टिकल का जो मोशन है उसको स्टडी करते हैं, और छोटा पार्टिकल न्यूटन के लॉ ओबे नहीं करता, इसलिए नई मैकेनिक्स का यहाँ पे एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। कंडेंस मैटर फिजिक्स में सॉलिड और लिक्विड को कलेक्टिवली पढ़ते हैं बाय अप्लाइंग दीज लॉ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे मैंने कहा इस पर काफ़ी मूवी बन चुकी है, इसमें टाइम ट्रेवल नाम की चीज़ जो है वो आती है एंड हाउ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी वो इसमें आता है। न्यूक्लियर पार्टिकल में बच्चों एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उसको हम पढ़ते हैं, एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम वो सारा इसमें आता है। पार्टिकल फिजिक्स में जैसे बच्चों बहुत सारे आपने डेली लाइफ में एलिमेंट्स देखे हैं, एल्यूमिनियम है कॉपर है, आपने पूरा पीरियोडिक टेबल देखा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम लिथियम इस तरह ना, तो इसी तरह छोटे छोटे पार्टिकल भी कई तरह के होते हैं, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं मीजोन्स कायोन्स टायोन्स देर आर सो मेनी पार्टिकल्स है ना, म्यूमीजोन एप्सलन वो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि जो हायर स्टडीज में जाते हैं वही इसको पढ़ पाते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन सारों में सबसे मुश्किल है, ये एक प्रकार से कॉम्बो है ये और इसका, आप रख लीजिए समझ लीजिए कि हमने पार्टिकल्स के बेसिस पे सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है बट बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको मिला करके ऐसा कुछ है, यानी कॉन्सेप्ट उसका है लॉ इसके है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ एनी मटेरियल, जैसे एक प्रकार से आपने सुना होगा बोलते हैं उसको, जैसे किसी के सर वगैरह में लग जाती है तो उसको कहते हैं इसका क्या करा लो इको बोलते हैं, इको नहीं बोलते उसको कुछ बोलते हैं, या क्या नाम किसी को कैंसर हो जाता है तो एक टेस्ट होता है पेट स्कैन, तो उन सारों में जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट ही यूज होता है, उससे पता लगता है कि कौन कौन सा बैड एलिमेंट किसी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी अगर आपके पास कोई भी एक किसी चीज़ का टुकड़ा है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। तो पहले बच्चों दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स। हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है इसमें भी अब 11th क्लास में हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स से पहले थोड़ा और चीज़ें हैं आप आवर डायमेंशंस
डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों।